बात डिस्कस कर लें कि रैम के अंदर जो है ना वैल्यूज़ कैसे सेव होती हैं। ठीक है, ये वाली बात ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, 30 मिनट्स हैं हमारे पास अभी। अच्छा, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ अलग से मैं, जिसमें होपफुली वो बहुत ज़्यादा कोड तो हम नहीं लिखेंगे। सही है, ये मैंने एक इसके अंदर एक वैल्यू बना ली, और इसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फ़ाइल बना लेता हूँ, जो कि बेसिक फाइल है एच टी एम एल की, और इसमें एक स्क्रिप्ट का टैग लगा लेता हूँ, और एच वन लगा के मैं यहाँ पे यही सेम बात लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि लेट नम इक्वल्स टू 5। ठीक है, अच्छा, मैंने कई दफ़ा आपसे ये जिक्र किया है कि ये जब हम एक नंबर का वेरिएबल बनाते हैं तो वो रैम में कितनी जगह लेता है, 64 बिट जगह लेता है। ठीक है, 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है ये। अच्छा, इसी तरीके से मैंने जिक्र किया है कि जी अगर आप, मैं लगा देता हूँ कि माई नेम इक्वल्स टू मलिक, तो ये क्या लेता है, पर कैरेक्टर 2 बाइट ये जगह ले रहा होता है। ठीक है, ये बात मैंने डिस्कस की, लेकिन ये होता कैसे है, रैम में वैल्यू आखिर सेव होती ही कैसे है इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, और ये इन जनरल तमाम प्रोग्रामिंग यानी ओवरऑल कंप्यूटर की जो ओवरऑल कंप्यूटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, ये अप्रोच है यानी हार्डवेयर के अंदर ये अप्रोच जो इस्तेमाल होती है ना, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि डेटा जब भी कंप्यूटर के अंदर सेव होता है तो वो बाइनरी फॉर्म में होता है मोस्टली। ठीक है, और डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो वो भी बाइनरी फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनको बाइनरी अच्छे से समझ आती है, एक दो लोगों को आती है। अच्छा, मैं इस पे न्यू जैम बनाता हूँ एक, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एक मैं बाइनरी नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनको ये पता लग रहा है कि ये बाइनरी में क्या लिखा हुआ है। कन्वर्टर यूज़ नहीं करना है आपने, वैसे ही बताओ ना भाई, सुपर स्टोर में जाते हो ना किसी, जिस पे देखते हो अच्छा 345 लिखा हुआ, समझ जाते हो ना 345 क्या है। तो इस तरह किसको ये बात समझ आ रही है कि क्या लिखा हुआ है। नहीं, टोटल बताओ ना, ऐसी कैलकुलेशन तो पूछी नहीं है मैंने अभी फ़िलहाल के लिए। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई आइडिया नहीं कि क्या लिखा हुआ है, हाथ खड़ा करके बताओ, मतलब कोई आइडिया नहीं कि ये वैल्यू क्या है। वैसे तो बाइनरी तो सब लोगों को पता है कि बाइनरी दिख रहा है ये, लेकिन जिनको बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि ये लिखा हुआ क्या है बाइनरी में, मतलब क्या वैल्यू है, वो कोई आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या वैल्यू है। ज़ाहिर है गूगल पे तो लिख के कन्वर्टर से तो हर कोई कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन वैसे देख के। हाँ भाई सर, पता लग रहा है आपको क्या है, ये बाइनरी में क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई, तुम्हें रेड शर्ट बताओ ना, खड़ा करो ना, मुझे नहीं आइडिया है। जितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, वो हाथ खड़ा करें प्लीज़। ठीक है, ऑलमोस्ट तमाम लोग हैं। अच्छा, तो मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि अभी आप 5 मिनट के बाद ये आप मुझे फिंगर टिप पे ना सिर्फ ये वाला बाइनरी आप कैलकुलेट करके बताएंगे, बल्कि एक दूसरा मैं आपको बाइनरी नंबर दूंगा, वो भी आप कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं जी क्या चक्कर है। लेकिन इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा और पीछे, उस पॉइंट पे जब कंप्यूटर ईजाद नहीं हुए थे, उससे भी पहले लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, कंप्यूटर से पहले आपको पता ना कैलकुलेशन के लिए
हमारे पास जो कैलकुलेटर है इस वक्त, छोटा कैलकुलेटर जो होता है हैंड हेल्ड, जो दुकानों में रखा होता है, दैट इज़ अ कंप्यूटर एक्चुअली, राइट? दैट इज़ अ कंप्यूटर, उसके अंदर बाकायदा चिप लगी हुई होती है और उसमें बाकायदा एक सॉफ्टवेयर छोटा सा रन हो रहा होता है जिसके ज़रिए वो कैलकुलेशन करता है, और सारी उसमें लॉजिक्स इसी तरह होती है जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इफ एल्स वगैरह लगाते हैं, तो सारी उसमें लॉजिक होती है। अब वो किसी दूसरी लैंग्वेज में वो बात अलग है, लेकिन उसमें कोई लॉजिक की लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल, तो दैट इज़ एक्चुअली अ कम्प्लीट कंप्यूटर जिसमें इनपुट भी देता हूँ मैं, वो स्क्रीन पे मुझे आउटपुट भी दिखाता है, उसका पावर सोर्स भी है अपना बैटरी की सूरत में या सोलर एनर्जी की सूरत में, है ना? तो वो एक दैट इज़ अ कम्प्लीट कंप्यूटर। उसका छोटी सी एक मेमोरी भी होती है, एम प्लस का और एम माइनस का बटन होता है, वो छोटी सी एक मेमोरी भी होती है जो कि एक नंबर को वो सेव कर लेता है थोड़ी देर के लिए, है ना? एम प्लस एम माइनस अगर किसी को नहीं पता है तो वो अलग से देख लेना, वो एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसमें एक 8 डिजिट का नंबर वो सेव कर लेता है मोस्टली मोस्ट कैलकुलेटर। तो दैट कैलकुलेटर इज़ अ कम्प्लीट कंप्यूटर। कंप्यूटर से पहले जो वो अबाकस का इस्तेमाल होता था, सही है? अबाकस वैसे चाइना में आज भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जो मछली बाज़ार और ये सारे जो यानी जो पुराने लोग बैठे हुए हैं अंकल ना 80-80 साल के 50 साल के, तो वो अबाकस पे ही हाथ सेट है। और इवन नई जनरेशन भी जो है उनकी, स्कूल वाले जो बच्चे भी हैं उनको भी ना वो ज़रा अबाकस बताते हैं, ठीक है? तो आप सब लोग ज़रा अबाकस भी अगर किसी को नहीं पता है या किसी को नहीं पता है कि वो कैसे यूज़ होता है, देखा है लेकिन जस्ट पता नहीं है, तो वो भी आप गूगल कीजिएगा जाके कि अबाकस यूज़ कैसे होता है। अबाकस पे बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हैं चाइनीज़ आज भी, ठीक है? तो अबाकस कुछ शक्ल दिखा देता हूँ उसकी कैसी होती थी। ठीक है ना, ये कुछ इस तरह की शक्ल होती है अबाकस की, ठीक है? पहले भी ऐसी होती थी, आज भी ऐसी है, ठीक है? ये 2 स्टेजेस के अंदर होता है, तो इसके ऊपर कैलकुलेशन होती थी ना। तो उसके बाद जब कंप्यूटर इन्वेंट हुए ना, तो असल में उससे पहले बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, तो वो मैं आपको गो थ्रू करवाना चाहता हूँ। तो मैनकाइंड को ना ये पता था कि जो मेटल होता है या जो 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 मटेरियल्स होते हैं, जो भी हमारे इस वक्त केमिकल का पूरा वो चार्ट है, जो क्या टेबल कहते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, या तो वो इंसुलेटर होते हैं या तो वो कंडक्टर होते हैं, ठीक है? अच्छा, इंसुलेटर किस तरह के मटेरियल को कहा गया जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, जैसा कि वुड, और जैसे ये पीवीसी वगैरह, और ये आपका और भी बहुत सारी जो आपको पता है इंसुलेशन टेप, जो हम रबड़ की जो टेप होती है, रबड़ भी जो है वो इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देता। अच्छा, दूसरे तरह का एक जो मटेरियल था जो कंडक्टर था, जो इलेक्ट्रिसिटी को किसी ना किसी वे में कंडक्ट कर देता है, ठीक है? जैसे कि कॉपर, आयरन, गोल्ड, है ना, एल्यूमिनियम वगैरह, आपका जो कपड़ा भी है, जो फैब्रिक जो है वो भी सर्टेन वे में वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर लेता है और फॉरवर्ड कर देता है, तो इन तमाम लोग को वो कंडक्टर समझते थे। तो मैनकाइंड को ये बात पता थी, उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे, उस वक्त की जो ह्यूमैनिटी थी, उनको ये बात पता कि दो ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, फिर एक डेवलपमेंट हुई जिसमें उनको ये पता लग गया कि भाई एक तीसरे तरह का भी एलिमेंट होता है। एक तीसरे तरह का जो एलिमेंट होता है वो कैसा एलिमेंट होता है कि जब मैं चाहूँ मेरी मर्ज़ी से तो वो कंडक्टर बन जाएगा, और मेरी मर्ज़ी से वो जब मैं चाहूँ तो वो इंसुलेटर बन जाएगा। एक ऐसा भी मटेरियल दरियाफ्त हो गया, एक ऐसा मटेरियल लोगों के इल्म में आ गया कि अच्छा जी ये भी एक माल मौजूद है मार्केट में। अच्छा, और कैसे होगा ये मेरी मर्ज़ी से? इलेक्ट्रिसिटी दूंगा मैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी दे के उसको एक सर्टन वे में इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो वो इंसुलेटर बन जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर देगा, और एक सर्टन वे में जब मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो वो कंडक्टर बन जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करना शुरू कर देगा, ठीक है? अच्छा, उस तरह के मटेरियल को क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया सेमीकंडक्टर। अच्छा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का तो नहीं बैठा हुआ है? आप बैठे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर बैकग्राउंड का कोई है ना, तो वो इसको समझे ट्रांजिस्टर, क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के आगे मैं ये बात बोलूँ ना, तो वो एकदम यूँ देखेगा कि ये क्या बात कर दी। थोड़ी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड वाले बंदे के लिए थोड़ी ये बात नॉनसेंस है कि यार ये क्या बकवास है। हम जो सेमीकंडक्टर होता है वो तो कुछ और डेफिनेशन उसकी बताई जाती है ना, लेकिन असल डेफिनेशन यही है। ये डेफिनेशन फिर आपको आगे बताई जाती है। हमारे यहाँ ज़रा कुछ एजुकेशन सिस्टम के अंदर ना ऐसा सिस्टम है कि शुरू में थोड़ी बात पढ़ाते हैं ना, थोड़ी सरफेस लेवल की नॉलेज देते हैं, फिर उसके बाद ज़रा उसको और डिटेल, फिर और डिटेल, फिर और डिटेल, ठीक है ना? फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, बोलते हैं कंडक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सारी सेमीकंडक्टर। हाँ नहीं, क्योंकि कॉपर भी जो होता है वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी पास करता है, वो रोकता है थोड़ी थोड़ी सी रेजिस्टेंस। गोल्ड भी जो है वो पूरी थोड़ी पास करता है। तो वो कहते हैं कि जी अगर पूरी इलेक्ट्रिसिटी किसी ने पास कर दी ना, तो वो तो सुपर कंडक्टर हो जाएगा।
उसमें तो कभी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म ही नहीं होगी। मतलब मैंने यहाँ से 220 वोल्ट का करंट छोड़ा और वो 10,000 किलोमीटर भी ले जाओ तो 220 ही वोल्ट रहेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। गोल्ड की भी तार बिछा दूँ तो ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस करेगा। 10,000 किलोमीटर जाने के बाद ना 2-4 वोल्ट क्या वो पूरा ही ज़ीरो कर देगा वैसे तो। तो वो कहते हैं कि अगर वो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना करे ना, फिर तो वो सुपर कंडक्टर है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता अभी इस वक्त दुनिया में। सुपर कंडक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते, उसको वो ज़रा जुगाड़ वुगाड़ से ना बहुत ज़्यादा एक मतलब बहुत फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जाके वो सुपर कंडक्टर बनता है। ठीक है, अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया के अंदर। वो जिस दिन बन गया तो फिर गेम उतर जाएगी सारी, ये टेक्नोलॉजी पूरी यूं हो गिरेगी उड़ के। पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। तो खैर, तो जो ये वाली डेफिनेशन अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड को बताऊँ ना मैं, कि मेरी मर्ज़ी से जब मैं चाहूँ तो वो कंडक्टर बन जाएगा और मेरी मर्ज़ी से जब चाहूँ तो वो इंसुलेटर बन जाएगा, ऐसे मटेरियल को हम सेमी कंडक्टर कहते हैं, तो वो कहेगा कि ये क्या बकवास है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड वाले के लिए मिसाल दूंगा मैं कि उसको आप समझे ट्रांजिस्टर, है ना। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का बना हुआ है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, जो सबसे फेमस सेमीकंडक्टर इस वक्त दुनिया में मौजूद सिलिकॉन है। तमाम कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर ये जितने भी यूएसबी और ये सारे सब में सेमीकंडक्टर जो है ना, जो मोस्टली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्रोसेसर्स में भी इवन वो सिलिकॉन इस्तेमाल होता है ना। सिलिकॉन क्या चीज़ होती है, रेत होता है। जो रेत हम बजरी गिरती है ना, जो येलो कलर की जो बजरी होती है, दैट इज़ एक्चुअली अ सिलिकॉन। ठीक है, उसके आप उसके अंदर देखेंगे कुछ एक ज़र्रात होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। वो जैसे नीम के दरख्त की गोंद का कलर होता है, उस कलर का होता है। सर्कुलर शेप भी होता है, कभी बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सलीका सैंड, है ना। सलीका, उस रेत को सलीका कहते हैं। ठीक है, और उस सलीका से उसको प्रोसेस करते हैं तो सिलिकॉन बनाते हैं उससे। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड सिलिकॉन। और वो एलिमेंट ऐसा है जो मेरी मर्ज़ी से कभी मैं कंडक्टर और कभी मैं इंसुलेटर बना सकता हूँ। और इसको मिसाल आप समझें ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, तीन टांगें होती हैं ना। तो तीन टांगों में क्या होता है कि मैं उसको जो दो दो टांगों में करंट देता हूँ ना मैं, तो तीसरे पे वो गेट को ओपन कर देता है। और जो दूसरे टाइप होती है उसमें मैं दो टांगों में करंट देता हूँ, गेट बंद कर देता है ना। एक ट्रांजिस्टर बाई डिफ़ॉल्ट ओपन होता है, एक बाई डिफ़ॉल्ट क्लोज होता है। और जो क्लोज होता है उसको करंट दो तो ओपन करता है, जो ओपन होता है उसको करंट दो तो वो क्लोज करता है ना। तो वो गेट ओपन क्लोज का चक्कर है ट्रांजिस्टर में सारा। जो तीन टांगों वाला ट्रांजिस्टर हर सर्किट में आपको नज़र आता है, तीन टांगों से यूँ लगा हुआ होता है। तो वो आप उसको समझें, तो वो क्या करता है कि मेरी मर्ज़ी से चलता है वो। अच्छा, और जब तक ये वो गेट ओपन अगर है ना, तो वो जब तक ही ओपन रहेगा जब तक मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी दे के रखूँ। जैसे ही मैं हटाऊँगा वो अपनी स्टेट पर वापस आ जाएगा जैसा वो है। अच्छा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो दुनिया की तारीख के अंदर, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है शायद। और इस डेवलपमेंट के बाद उससे हुआ क्या क्या, अब ये देखो। अब मैं देखो इस काबिल हो गया हूँ इस डेवलपमेंट के बाद कि मेरे पास ना, आप समझो जैसे सोने की बिस्किट होती है ना, समझो मेरे पास सिलिकॉन की बिस्किट है। अब उस सिलिकॉन की बिस्किट में मैं इलेक्ट्रिसिटी दे के उसको या तो मैं ओपन रख सकता हूँ या तो मैं क्लोज रख सकता हूँ ना। जैसे मैंने बताया ना कि कंडक्टर और इंसुलेटर। अच्छा, इस कंडक्टर और इंसुलेटर के ना बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हैं और उन तमाम नामों का एक ही मतलब है, यही मतलब है। अच्छा, इसको ये बोलेंगे ओपन क्लोज भी बोलते हैं, है ना। ओपन का मतलब कंडक्ट कर रहा है और क्लोज का मतलब नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको अगर आप इसको केमिस्ट्री की ज़ुबान में बोलेंगे तो वो इसको बोलेंगे यार पॉजिटिव नेगेटिव आयन। इसका मतलब एक्चुअली यही है, डिफरेंट फील्ड में इसका डिफरेंट नाम है इसके। अगर आप कंप्यूटर की ज़ुबान में बात करेंगे तो बोलते हैं 0-1। 0 का मतलब है कि नहीं कंडक्ट कर रहा है, इंसुलेशन हुआ हुआ है ना। और 1 का मतलब है कि कंडक्टर बना हुआ है। ठीक है, ट्रांजिस्टर की जो स्टेट है वो या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो यानी कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में उसको 0-1 बोलते हैं। अच्छा, अगर फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़ुबान में चले जाएँ तो उसमें दो तीन अलग अलग नाम है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी बोलते हैं, उसके अंदर उसको हाई लो भी बोलते हैं। ये सारे एक ही नाम है। ठीक है, मैं 0-1 बोलूँ, मैं हाई लो बोलूँ, मैं पॉजिटिव नेगेटिव बोलूँ, है ना। चार पांच इसके अलग अलग फील्ड हैं, चार पांच इसके अलग अलग नाम हैं। तो इन सब का मतलब इवेंचुअली एक ही मतलब है इसका। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि अब इस डेवलपमेंट के बाद मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास एक बिस्किट है सिलिकॉन की, मैं उसमें एक डेटा सेव कर सकता हूँ ना, या तो 0 या तो 1, मैं इलेक्ट्रिसिटी दे के। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये नई टेक्नोलॉजी तरक्की हुई है ना, मैं अपने बेडरूम में एक लगाता हूँ सिलिकॉन की बिस्किट और उसके अंदर मैं एक डेटा सेव कराता हूँ। क्या डेटा सेव कराता हूँ कि मेरे फ्रिज में इस वक्त बटर मौजूद है या नहीं है, उसमें दिख रहा हूँ मुझे वो। ठीक है, और उसको हाथ से चेंज कर दे जब भी हाथ से चेंज करना चाहे बंदा। ठीक है, और वो मुझे दिख रहा हो कि इस वक्त, अच्छा यार 1 है, 1 का मतलब बटर मौजूद है, 0 0 का मतलब बटर मौजूद। तो ये मैं डेटा सेव कराने के काबिल हो गया।
अच्छा फिर मैंने बोला यार कि चलो बटर वाला मसला ये है, एक और लगाते हैं, एक और लगाते हैं, और मैं इसको अपने गेट के बाहर लगाता हूँ कि 1 का मतलब है मैं घर पे हूँ, 0 का मतलब है मैं घर पे नहीं हूँ, है ना। जब भी मैं जाने जैसे क्लोज हुआ ऐसे पलट के चले जाते हैं ना दुकान वाले, तो मैंने उसको घुमाया और मैंने इसको 0 कर दिया। मैंने कहा यार नहीं हूँ मैं घर पे, और मैं चला गया। फिर वापस आया, ठीक है, मैंने फिर एक तीसरा लगाया, मैंने कहा यार डू नॉट डिस्टर्ब वाला, कि मैं घर पे हूँ। जैसे होटल में होता है ना कि आप जैसे रूम के अंदर अगर आप जाते हो तो वो रूम सर्विस कभी आता है, कभी वो कुछ चेक करने खाना वाना देने, ये तो अगर आप वो डू नॉट डिस्टर्ब का एक टैग होता है, अगर आप वो रूम के बाहर लगा दो तो वो फिर नॉक नहीं करते, उनको पता होता है कि अच्छा जी आप थके हुए आए हो, आप सो रहे हो, या इस तरह की जो भी सिचुएशन है। तो मैंने एक डू नॉट डिस्टर्ब वाला एक लगाया, कि मे बी मैंने किस तरह लगाया होगा, मे बी कि एक मैंने छोटा सा वो लिखाई लिखी होगी कि भाई अगर ये 1 है तो इसका मतलब है ना कि आपने डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है, और गेट की दूसरी साइड पे लिखा है कि जी ये 1 है तो इसका मतलब मैं घर पे हूँ, 0 इसका मतलब मैं घर पे। तो वो दो तरफ दो सिलिकॉन के बिस्किट हैं, वो एट अ टाइम वो 0 1 दिखाते हैं मुझे, और ये डेटा मेरे पास सेव है, और इलेक्ट्रिसिटी मैंने उसको दी हुई है, और चेंज करने का सिस्टम है कि इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मैंने कहा था एक सर्टन वे में दूंगा तो 0 बनेगा, एक सर्टन वे में दूंगा तो 1 बनेगा, तो वो सर्टन वे का मैंने स्विचर वो किया हुआ है, कुछ सेटिंग की हुई है उसकी। अब मैं देखो ये 3 डेटा मैंने सेव कर लिया। इस पॉइंट पे मैथमेटिशियंस को ये टास्क दिया गया कि ये तो छोटा छोटा मैं कर रहा हूँ ना, मैथमेटिशियंस को ये टास्क दिया गया कि इस सिलिकॉन की बिस्किट में नंबर्स को मैं कैसे सेव कराऊँ। ये तो चलो छोटा मोटा यस नो तो चल ही रहा है, यस नो तक की तो कहानी, ट्रू फॉल्स की कहानी हो गई है मेरी, है ट्रू फॉल्स भी इसका एक नाम है, जैसे 0 1 है तो ट्रू फॉल्स का मतलब भी यही है एक्चुअली। तो मैथमेटिशियंस को जब ये टास्क मिला ना, तो उन्होंने एक ऐसा नंबर सिस्टम बनाया जिसमें 2 ही यूनिक सिंबल हैं सिर्फ। हम जो डेसीमल गिनती इस्तेमाल करते हैं अपनी आम जिंदगी में, उसके अंदर कितने यूनिक सिंबल हैं, 10 यूनिक सिंबल हैं, 0 से लेकर 9 तक। यही वजह है कि उसका नाम डेसीमल है, डेसी का मतलब होता है 10 लैटिन में शायद, तो वो डेसीमल का मतलब है कि 10 यूनिक सिंबल, तो उसका नाम इसी नाम पे रखा गया कि 10 यूनिक सिंबल है। तो फिर मैथमेटिशियंस ने एक ऐसी ऐसा नंबर सिस्टम बनाया जिसके अंदर सिर्फ 2 ही यूनिक सिंबल है, यानी कि 0 और 1, एंड दैट नंबर सिस्टम इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये जिन मैथमेटिशियंस ने ये नंबर सिस्टम बनाया है, वो भी उनके लिए बड़ी अचीवमेंट की बात थी उस ज़माने में। तो आए ज़रा इसको समझते हैं कि इस नंबर सिस्टम को उन्होंने कैसे बनाया और क्या इसमें मतलब जो है ना वो की उन्होंने। अच्छा पहले तो मैं एक बिस्किट बना लेता हूँ पहले तो, जल्दी जल्दी ना, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास क्या है, सही है, ये टोटल मेरे पास 8 बिस्किट है। अच्छा तो अभी मैथमेटिशियंस ने क्या बोला कि जो पहली वाली बिस्किट है ना, इसकी वैल्यू हम सोच लेते हैं ऐसे दिमाग में, इमेजिन कर लेते हैं 1 है ये, दूसरे वाले की हम कर लेते हैं कि ये 2 है, तीसरे वाले के लिए हम कर लेते हैं कि ये 4 है, उसके बाद हम कर लेते हैं कि ये 8 है, ये ना 2 के मल्टीपल चल रहे हैं ये, ठीक है 16 है ये, और उसके बाद हमने इमेजिन कर लिया कि ये 32 है, उसके बाद 64 एंड देन 1 2 एंड 8, ठीक है जी। अच्छा 4 का ज़रा सा चौचम 4 जैसा बना देते हैं, 4 नाराज़ ना हो जाए। अच्छा इन्होंने कहा जी ये 8 बिस्किट है। अच्छा ये 8 मैंने क्यों बनाई है, इसका भी एक रीज़न है, वो हम देखते हैं थोड़ी देर में कि क्या चक्कर है। ये 8 8 के पैकेट्स में आता है असल में, जदीद कंप्यूटर्स जो है ना हमारे पास, उसके अंदर ये 8 8 के पैकेट्स के अंदर आता है। अच्छा तो मैं यहाँ पे एक नंबर सिस्टम लिखता हूँ, मैंने कहा कि जी 0 1 1 1 और उसके बाद ये 0 ये 0 और ये सारे मैंने 0, ये एक बाइनरी नंबर है 8 डिजिट का, सही है। इसके अंदर मैथमेटिशियंस ने बोला कि देखें आप ऐसे करें कि जो पहली बिस्किट है ना जिसकी वैल्यू 1 है, अगर ये बिस्किट ऑन है तो इसकी वैल्यू को आप सम कर लें, ठीक है, जितनी ऑन है ना उसको सम कर लें आप। अच्छा तो मेरे पास 1 जो है वो क्या है, 1 वैल्यू वाला बिस्किट ऑफ है, 2 वैल्यू वाली बिस्किट जो थी वो ऑन है, तो मैं 2 को सम कर लूँगा। मैंने कहा जी 2 और प्लस प्लस आगे 4 वाला भी ऑन है तो मैं कहूँगा 4, ठीक है, फिर 8 वाला भी ऑन है प्लस मैं कहूँगा 8। अच्छा बाकी सारे ऑफ हैं तो उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्चुअली बाइनरी में क्या लिखा हुआ है, 2 और 4 6 और 8 14, ठीक है, तो ये एक्चुअली बाइनरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, ठीक है।
अच्छा अब इमेजिन कर लो ज़रा कि जो है ना मेरे पास क्या होता कि इसको मैं कुछ नंबर्स को डिलीट करके ना मैं उसकी जगह पे क्या कर देता हूँ, सही है। मैंने कहा कि जी अब ये एक डिफरेंट बाइनरी नंबर लिख रहा हूँ मैं। अब ये क्या बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, कैलकुलेटर खोल लेते हैं। वन फोर एट 32 एंड 128, यही ना, 1 4 8 32 एंड 128, 1 8 4 32 128, 173 लिखा हुआ ये, ठीक है 173 आ गया। तो ये बाइनरी में क्या लिखा हुआ है, 173। सब लोगों को समझ आ रही है बात, ये बाइनरी नंबर सिस्टम मैथमेटिशियंस ने ये डिज़ाइन किया है इस वक्त। अच्छा अभी हमने क्या सीखा है, अभी हमने ये सीखा है कि एक लिखा हुआ बाइनरी नंबर उसको हम कैसे रीड करेंगे। नहीं 8 डिजिट से ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन ये 8 8 8 के पैकेट में होता है, 8 के बाद डायरेक्ट ये 16 डिजिट का बनेगा। अभी हम उस पर आते हैं, अभी हम उस पर आते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या देख लिया है कि एक लिखा हुआ बाइनरी नंबर है उसको हमने रीड करना सीख लिया कि जी इसको मैं रीड कैसे करूँगा। आ गया सब लोगों को, अच्छा चलो अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है। डब्बे में वैल्यू लिख देता हूँ, ये लो। हाँ भाई चलो, हाँ भाई फ्रंट में जो लोग बैठे हैं 151 है, सब लोग इससे एग्री कर रहे हैं 151 से। अच्छा तो चलो ये तो सीख गए अब आप लोग, है ना, एक बाइनरी नंबर को। अच्छा एक और मैं नंबर अगर दूँ आपको ऐसा ही, ठीक है, चलो थर्टी एट है ना, फौरन पता लग गया आपको। तो ये चलो आसान हो गया, समझ आ गया कि एक लिखा हुआ बाइनरी नंबर हम कैसे उसको रीड करेंगे। अब ज़रा हम बाइनरी नंबर को, मैंने एक वैल्यू है मेरी 75, अब मैंने उसका बाइनरी बनाना है, अब मैं कैसे बनाऊंगा। आ जाते हैं अब इसकी तरफ हम, मेरे पास एक वैल्यू है 75। तो अब ये बिस्किट्स है ना, मैंने उस हिसाब से फिल करनी है। अगर ये कंप्यूटर कर रहा होता है, हमें नहीं करना होता, लेकिन जस्ट एक छोटा सा एक एक्टिविटी है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है आप, आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी। तो अब मैंने अब 75 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास पूरी ये वैल्यू की बिस्किट्स है ना सारी, इसमें मैं देखूँगा कि मुझे या तो 75 मिल जाए या उससे कम की कोई वैल्यू मिल जाए। तो 75 से कम की यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 64। तो मैंने कहा कि 64 को ऑन कर दो, इसको ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है, इस तरफ से मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। अच्छा 64 कर दिया, अब 75 में से 64 को मैंने ऑन कर दिया, बचा कितना पीछे, -64, 11 बचा। तो अब या तो मुझे 11 मिल जाए यहाँ पे, या तो 11 से कम मिल जाए, ठीक है। 32 को ज़ीरो किया, ये कर दिया, 8 को मैंने 1 कर दिया, अब 11 में से 8 मैंने 1 कर दिया, और क्या बचा पीछे, 9 10 11, 3 बचा ना। अच्छा 3 मिल जाए या तो, चलो 4 को 0 कर दो, 3 तो अच्छा ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये 3 हो गया। अब इसको आप काउंट करोगे तो 75 ही आएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई जैसे 78 एक नंबर है तो वो उसमें फिट ना हो, वो फिट हो जाएगा, आप जैसे मर्जी सोचोगे वो फिट हो जाएगा, सही है। अच्छा ये समझ आ गई बात सब लोगों को कि कोई भी एक नंबर होगा मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह एक और नंबर अब सोचता हूँ मैं,
कि जी एक नंबर है मेरे पास, हाँ 126, चलो ठीक है 126 को मैंने इसके अंदर फिट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, 128 तो चलो इसको ज़ीरो ही रखूँगा मैं। 64 को मैंने ऑन कर दिया, क्या था मेरा 126 था ना, 126 में से मैंने 64 को ऑन कर दिया तो 62 बचा है। ठीक है 32 को भी ऑन कर दूंगा मैं, ठीक है 62 माइनस 30 बचा है। अब 30 में 16 को भी मैं ऑन कर दूंगा, ठीक है क्या बचा अब 14 बचा, 14 में से मैं 8 को भी ऑन कर दूंगा फिर, ठीक है फिर मैं 6 बचा, तो 4 और 2 ये 6 पूरा हो गया। तो ये क्या बन गया जी मेरा 126 बन गया, ठीक है सारे ऑन हो गए दोनों तरफ, एक 0 0 बाकी सारे ऑन हो गए। तो इसको अब दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो वही बनेगा, दोबारा कैलकुलेट करते हैं हम इसको, ठीक है कैसे करते हैं, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 और प्लस 2, ठीक है 126, सिर्फ 1 वाले को मैंने ऑफ रखा है और 128 को, बाकी सारा इसके अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा अब इसमें आप देखते जाओ कि अब अगला क्या सीन है इसमें, अगला सीन इसमें ये है कि भाई इसके अंदर मैं मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। हैं सोचो, अब मेरे पास ये 8 बिस्किट हैं, 8 बिस्किटों के अंदर मैं मैक्सिमम जो वैल्यू मैं स्टोर करवा सकता हूँ वो आपके ख्याल में कितनी बड़ी वैल्यू हो सकती है। सोचो 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 बताओ, हाँ भाई कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ मैक्सिमम। यार ज़रा मुझे लग रहा है आज क्लास में कुछ इंटरेक्टिव नहीं हो रहे हो तुम लोग, चुप चुप हो, क्या खैरियत, को मसला है, कोई टेंशन है, बिजली के बिल ज़्यादा है मैं पता है मुझे, बोरिंग हाँ हाँ बोरिंग लगा, मुझे लग रहा है कहीं बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग। वेल अच्छा तो इसका जवाब ये है कि मैं तमाम को अगर मैं वन कर दूँ तो मैक्सिमम यही होगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, तमाम बिस्किट्स को मैं वन कर दूँ तो सबको सम मारूंगा मैं तो कितना आएगा 255 आएगा, ठीक है तो 255 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा मिनिमम कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ, तमाम को ज़ीरो कर दूंगा तो ज़ीरो कुछ भी नहीं होगा, तो ज़ीरो से लेके 255 तक की वैल्यू मैं इसमें स्टोर करवा सकता हूँ, यानी कि टोटल 256 पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि ज़ीरो को भी काउंट कर रहा हूँ मैं, तो ज़ीरो से लेके 255 तक ये 256 बनते हैं, ठीक है 256 इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन में सेव करवा सकता हूँ। उसके आगे अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है फिर मैं क्या करूँगा भाई, नंबर 255 में ख़त्म तो नहीं ना हो गया, मैं क्या करूँगा एक बाइट और लूँगा मैं, सही है इसको मैंने कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट किया एक बाइट में और। अच्छा ये जो आर्ट का जो चंक है ना, ये जिसको मैं बिस्किट्स कह रहा था, ये दिस वन बिस्किट इज़ कॉल्ड अ बिट, इसको हम क्या कहते हैं बिट कहते हैं, ठीक है और ये 8 बिस्किट्स को यानी 8 बिट को मिला के एक बाइट बनता है, सही है और 8 मैंने और ले लिया तो ये 2 बाइट बन गए, 4 बाइट बन जाएगा, 8 बाइट बन जाएगा, ठीक है इसी तरह जो जावास्क्रिप्ट का नंबर टाइप का वेरिएबल वो कितने लेता है 16 बिट लेता है वो, यानी 16 इस तरह के बिस्किट 64 बिट लेता है, तो 64 बिट जो बनते हैं वो 8 बाइट बनते हैं, अगर बाइट में बोलना चाहो तो 8 बाइट है और वैसे 64 बिट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब जो मज़ीद इसकी वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से शुरू होंगी, वो 128 के अब मज़ीद आगे से शुरू होगी वैल्यू, सही है इसकी सारी वैल्यू मैंने उड़ा दी, 128 के बाद 256, ठीक है 512 एंड ऑनवर्ड्स। अच्छा तो क्या ख्याल है 2 बाइट में कितनी वैल्यू तक ये जाएगा, ऐसे मैं आगे लेके जाऊँ तो एक बाइट के अंदर 256 तक चला जाता है, 255 तक चला जाता है, तो 2 बाइट में कितने तक चला जाना चाहिए, डबल कितना ऊपर जाएगा, तुक्का लगाओ मुसलमानों, दो बाइट में ये 65,535 तक चला जाएगा, सही है और 4 बाइट में जो है ना ये 2 बिलियन से भी ऊपर चला जाएगा,
और 8 बाइट में ये ट्रिलियन गजेलियन पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा, सही है? तो ये तो सीन हो गया। अच्छा अब कौन मुझे ये बताएगा, देखो ये मैंने इतनी बेसिक सरफेस लेवल की नॉलेज दी है, यहाँ पे हम इस बात को ख़त्म करते हैं आज अपनी, और नेक्स्ट क्लास में ना हम फिर ये देखेंगे कि वो एरे और ऑब्जेक्ट किससे इसका क्या ताल्लुक़ है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये एरे के रेफरेंस से इसका क्या ताल्लुक़ है, ठीक है? तो इस बात पे आज की क्लास को ख़त्म करते हैं कि मैंने आपको ये बात नहीं बताई है कि इसमें माइनस वाली वैल्यू अगर आ गई मेरे पास वो इसमें कैसे सेव होगी, ये रिसर्च करनी है आपने जाके, ठीक है? एक तो ये हो गया कि माइनस वाली वैल्यू मैंने आपको नहीं बताई है कि इसमें कैसे स्टोर होती है। नंबर दो बात, मैंने आपको ये नहीं बताया है कि पॉइंट वाली वैल्यू अगर आ गई, है ना, 126 तो बगैर पॉइंट वाली वैल्यू थी ना, 126.7 अगर आ गया, है ना, तो वो कैसे, यानी 126.7 भी चलो ठीक है, लेकिन 126.78120001, अब ये एक प्रिसिशन, 6-7 प्रिसिशन पॉइंट्स हैं इसके अंदर, इस तरह की कोई वैल्यू आ गई तो वो बाइनरी में कैसे सेव होगी, क्योंकि आपका जो छोटा सा कैलकुलेटर है जो करियाने की दुकान पर पड़ा होता है वो तो तकरीबन 6-7 डिजिट तक के प्रिसिशन पॉइंट्स को वो कर लेता है ना, समझ लेता है वो, अगर उसकी स्क्रीन पे जगह हो तो, ठीक है? मैं अगर करूँगा ना उसके के 1 डिवाइड बाई 200 करूँगा तो मुझे जवाब देगा, है ना, मैं बोलूँगा ना 1 डिवाइड बाई 200, अगर तो 005 दिया इसने, ठीक है? अब मैं इसको जितना ज़ीरो बढ़ाता जाऊँगा ये मुझे देता जाएगा जितनी उसकी स्क्रीन पर जगह होगी, ठीक है? तो दो बातें मैंने आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ मैं। नंबर एक क्या मैंने बात बताई कि इसमें माइनस वाली वैल्यू कैसे सेव होगी, ये आपने रिसर्च करना है जाके। नंबर दो, इसके अंदर पॉइंट वाली जो वैल्यू है वो कैसे सेव होगी, ये आपने रिसर्च करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ये चीज़ एक्सप्लोर करेंगे कि वंस ये वैल्यू जो स्टोर हो जाती है, अभी तक हमने देखो इसमें सिर्फ नंबर स्टोर करवाना सीखा है, इसमें फिर अल्फ़ाबेट्स कैसे स्टोर होंगे, मेरा नाम मलिक कैसे स्टोर हो रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू वो कैसे स्टोर हो रही है, फिर ऑडियो वीडियो फाइल्स ये कैसे स्टोर हो रही हैं, इसके अंदर सब बाइनरी में होता है, ये पिक्चर्स इसमें कैसे स्टोर हो जाती हैं बाइनरी के अंदर, ये सारी अप्रोच है, ये सारा दिमाग का खेल है जो हमारे साइंटिस्ट ने दिमाग लगा लगा के ये सब एक्सप्लोर किया है, ठीक है? और फिर उसके भी बाद फिर ये एरे और ऑब्जेक्ट इसमें कैसे स्टोर हो जाते हैं, और ये एरे और ऑब्जेक्ट के ये रेफरेंस का चक्कर है, ये इंशाल्लाह डिस्कस करके हम नेक्स्ट क्लास पर ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा नेक्स्ट क्लास हमारी कल है फ्राइडे को, सुबह 9 बजे लैब में जहाँ होती है वहीं पे होगी, ठीक है? चलें जी, अल्लाह हाफिज़।